नमस्कार, बलियाल लाइव के ऑडियो बुलेटिन होत फजीरे के बुधवार 16 अक्टूबर 2019 के एडिशन में आपका स्वागत है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, धन बल के इस्तेमाल और सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत की अध्यक्षता में बैरिया में मंगलवार को आयोजित हुआ। इस मौके पर विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 55 मामले आए, जिसमें से मौके पर एक का भी निस्तारण नहीं हुआ। भाजपा नेता मुक्तेश्वर सिंह के आग्रह पर डीएम खुद मधुबनी का रास्ता देखने मौके पर पहुंचे। वहां का हाल देख संबंधित मातहतों को सड़क तुरंत ठीक करवाने और डीपीआरओ से खोली गई सोलर लाइटों को शीघ्र लगवाने का आदेश दिया। उधर बांसडी तहसील के सभागार में सीडीओ बद्रीनाथ सिंह और एसडीएम अन्नपूर्णा गर्ग की मौजूदगी में आयोजित समाधान दिवस में कुल 106 मामले आए, जिसमें से 4 आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगल देव चौबे के नेतृत्व में टीडी कॉलेज चौराहे पर मंगलवार को धरना दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। बांसडी नगर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांसडी मंडल इकाई अध्यक्ष प्रतुल कुमार ओझा के नेतृत्व में भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई वर्षों से आवेदन करने के बावजूद पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में नहीं आया। आवास के नाम पर सुविधा शुल्क की मांग करने का भी आरोप लगाया। वाराणसी बलिया रेल मार्ग पर रेल फाटक हटाकर कई अंडरपास बनाए गए, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, मगर ये अंडरपास लोगों के, विशेष तौर पर किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। कारण, अंडरपास में बारिश का पानी भरा हुआ है। शाहबाज कोली इसुपुर स्टेशन के बीच कठौत गौसलाजमपुर मार्ग, ढोढाडीह करीमुद्दीनपुर के बीच राजापुर रायपुर मार्ग और करीमुद्दीनपुर बाजार के पास अंडरपास बनाए गए हैं। इससे वाहनों और पैदल आने जाने वालों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। ट्रैक्टर खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 17 दिसंबर 2011 को छपरा के मसरक प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक में भाजपा नेता उपेंद्र सिंह के निजी बॉडीगार्ड मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना सिंह बलिया जिला के निवासी थे। इस मामले में नामजद अभियुक्त बनियापुर विधायक केदार सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए। ग्राम स्वराज गढ़ा मंच के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर भरौली से इच्छा चौबे के पुरा तक गंगा किनारे 8 फीट ऊंचा रिंग बांध बनाने की मांग की है। चिलकहर ब्लॉक के शिक्षा प्रेरकों ने चोगड़ा सब्जी मंडी के समीप महामंत्री विक्रमा सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर लगभग 40 माह के बकाए वेतन का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। विद्युत केंद्र बैरिया के प्रांगण में दूसरे दिन मंगलवार को भी संविदा विद्युत कर्मियों का हड़ताल जारी रहा। विकास भवन परिसर में 4 सूत्री मांगों को लेकर रोजगार सेवकों का धरना मंगलवार को दूसरे दिन क्रमिक अनशन में बदल गया। चिकित्सा और परिवार कल्याण संघर्ष समिति ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएमओ ऑफिस के सामने क्रमिक अनशन करने का ऐलान किया है। रसड़ा नगर के ऐतिहासिक श्री रामलीला में मंगलवार की भोर में स्थानीय ब्रह्मस्थान परिसर में भरत मिलाप के प्रसंग का मार्मिक और सजीव अभिनय कलाकारों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। परम पूज्य ब्रह्मलीन संत पशुपतनाथ बाबा की 109वीं जयंती के अवसर पर मां काली धाम भवनौली गढ़वार में सत्चंडी महायज्ञ का आयोजन कर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। सुखपुरा कस्बे के बुढ़वा शिव जी मंदिर में श्री श्री 1008 विरागी मनमोहन दास जी महाराज के सानिध्य में होने वाले 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ की तैयारियों के क्रम में यज्ञ मंडप का निर्माण अंतिम चरण में है। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, फिर हो संजवत में। धन्यवाद।